अच्छे से ही धो रहे अभी ओहो, तो तब तो दादी हो जाता यार, क्योंकि निकलना पड़ेगा फिर। निकलना पड़ेगा नहीं, दादी मैं तो जल्दी हो जाऊंगा दादी, इनको लगेगा टाइम, इनको लगेगा टाइम, ये यहाँ से फ्री हो के फिर इनको चौपाल ले जाना है, फिर लगेगा दादी टाइम, मेरे को लगेगा टाइम। चलिए दादी अब देखना पड़ेगा ना, परे भी वो भी जरूरी है, उसको छोड़ नहीं सकते ना। दादी आराम, क्या करे ठीक है, पीस के गुड़, क्या बात है, काट कूट गए, क्या बात है। लो दादी पहला तोहफा जाने से, नहीं 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 ये नहीं मानेगा हम, देखो मना नहीं करना दादी। भाई साहब जगह पैकेट ले लूंगा भाई आपके लिए स्पेशली, जिसमें ले जाओगे आसमान। तो ठीक है रात को दादी, इससे गला भी साफ होता है, आपकी जो खुंगी लगती है ना बार बार, खांसी होती है, उसके लिए ठीक है। ऐसे ही देखें दादी के ड्रामे, बहुत करते हैं दादी, आगे हमारे में ड्रामे तभी तो आएगा इस आगे। नहीं नहीं दादी यार, ऐसा कैसा यार, आपको खाली हाथ थोड़ा भेज सकते हैं हम यहाँ से, और क्या अब ये एक कोई कमी नहीं है तुम्हारी दया से, दृष्टि से भगवान राजी खुशी रखे, कोई भी ऐसे बच्चे नहीं है कि भाई तुम नहीं वो तो है दादी। हाँ पर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना आपकी, कौन रखेगा हैं हैं, कौन रखेगा, हमें रखना पड़ेगा तभी है दादी। बस अभी चौपाल में भी बता देना जो जो चाहिए होगा आपको, सब लेना है अभी। दादी को एक बढ़िया सा ढाटू और एक सदरी भी दिलाते हैं इस पर, दादी को नया करके भेजूंगा आज मैं, देखो सूट भी हो जाए तो सूट भी हो सकता है दादी, गर्मा गर्म सूट कोई बढ़िया सा। सही बात है दादी को अभी शादी में ही दादी ने 10 सूट होना है बोलो। सर्दियों के नहीं हो गए ना दादी, वो भी देखना पड़ेगा। सर्दी के मेरे पास बेटा बहुत है, पहले से बढ़िया ब्रेकफास्ट के बाद अब चाय की बारी। नहीं तुम दोनों औरतें यहाँ पर बहुत टाइम रहेगी ना, अब तुम्हारे को कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, नया करके ले जाना पड़ेगा। देखा ये तो खुश है, देखा बस ठीक है, देखा ऐसे होते दादी, मना ही नहीं किया, बोला हाँ मैंने लेना है, ऐसा होना चाहिए। बहुत तो हाँ जी बहुत है, नंद किया ऐसे को बैठो, आपकी पीठ में लगेगी धूप आ जाओ, अब बैठो। बाल गाइस फिर से बाल बनना मुश्किल, इस बार ये मैं सोच रहा हूँ थोड़े लंबे कर लूँ बाल, बट फिर मुझे वही टेंशन हो जाती है इनको संभालूंगे कैसे, इनको मैनेज कैसे करूँ। बाकी गाइस ऐसा है कि फाइनली रेडी हो चुके हैं, अब बारी आ गई है निकलने की, तो आज हम जा रहे हैं वापस शिमला गाइस, शिमला जाने वाले हैं मैं पापा और मम्मी, बट दादी को हमने छोड़ना है क्षण ली, हमने क्या मैंने नीचे वाले रोड से एक गाड़ी आ रही है थोड़ा बहुत सामान लेके, जो अभी हमारे को यहाँ पर लगना है ये डंगे बनाने में, तो फिर वापसी में हमने सोचा वो दादी को भी छोड़ देंगे चौपाल तक, फिर चौपाल से दादी को मैं ले जाऊंगा कशानली तक, मतलब लास्टाधार तक, फिर दादी को मैं घर छोड़ दूंगा। मम्मी पापा है तब तक, मम्मी पापा यहाँ पर काम देख लेंगे थोड़ा बहुत, ये जो हो रहा है ये कर लेंगे, मम्मी घर वगैरह सेट कर लेंगे। आपको याद होगा पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कुछ हमने मिट्टी निकाली थी सैम्पलिंग के लिए, वो भी हमारे को आगे ठियोग में पकड़ानी है, तो उसके लिए भी हमारे को टाइम दिया गया कि इस टाइम तक पहुंच जाना वरना बंद हो जाएगा, तो ये भी हमारा एक एम है गाइस, तो देखते क्या क्या रहता है। टाइम अपने पास अभी है क्योंकि देखो अभी सिर्फ 11 बजे है गाइस, तो ये होता है जल्दी जब आप एक बार उठ जाओ तो जल्दी सब कुछ हो भी जाता है। बाकी ऐसा है गाइस कि कुछ टाइम में मम्मी पापा क्या पता मैं भी हमने वापस भी आना, क्योंकि यहां पर इतना सारा काम चल रहा है इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, ये तो अभी मजबूरी में शिमला जाना पड़ रहा है क्योंकि पापा को वहां पर काम है, हमने गाड़ी भी दिखानी है तो ये निपटाने भी जरूरी है गाइस, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। बैग्स भी है, ये भी बैग्स हम गाड़ी में भिजवा रहे चौपाल तक, वहां से मैं कलेक्ट कर लूंगा अपनी गाड़ी में रखवा दूंगा। ऊपर कौन चकेगा, ऊपर चकने के लिए फिर अपने पास बंदे भी नहीं क्योंकि सारे काम में इन्वॉल्व्ड है, तो इधर चल पड़े नीचे की तरफ। अब दादी जाएगी आंटी वगैरह के साथ क्योंकि आंटी वगैरह भी चौपाल जाना है, तो ये सारी गाड़ी में ही जाएगी परे को और साथ में सामान भी ले जाएगी, तो दादी इनके साथ ही अभी नीचे सड़क तक भी चले जाएगी, तब तक मैं ऊपर को निकलता हूँ, बस शूज पहनता हूँ निकलता हूँ। चलो ठीक है दादी आओ परे, फिर आया मैं ठीक है, चौपाल आया ठीक है। हाँ बस मेरे को क्यों अच्छा दादी शक्शु को ले जाओ, चुपा ले जाओ शक्शु को। परे भाग गया था दादी वगैरह के साथ जाने के लिए, बट अभी मेरे पास आ गए मेरे दोस्त, चलो दोस्तों चले चले हैं, चलो चलते। तो क्यों नहीं हो गया यार, अभी तो सीजन खत्म ही हुआ है। अच्छा ज्यादा टाइम रहने से
हाँ कलर ही देखो ना कितना है। चलो फिर मैं चला ठीक है, आना फिर ऊपर टाइम से ठीक है। पापा भी नहीं ठीक है, चलो बता देना फिर जैसा रहेगा ठीक है, क्योंकि दादी कहीं मेरे से पहले पहुंच गए ना मुश्किल हो जाएगा। वो दवाई ले लो ठीक है। चलो ठीक है, चलो भाई दोस्तों इसको देखना कितनी छलांगे मार रहे, देखना उड़ते, ये देखो उड़ते उड़ते भाई। तो फाइनली गाइस पहुंच गए। ओ भाई साहब आज तो बैंड बज गया, एक तो शायद जितने टाइम बाद में ऐसे वॉकिंग आ रहा हूँ इस टाइम में तब बैंड बज गया, दोनों बट अच्छी खासी बैंड बज गया। अपने दो साथी तो थे ही अपने साथ, अब ये लोग यहीं घूमते रह गए, बट नीचे भी चल जाएगी इवेंचुअली। बाकी मैं चलता हूँ अभी, अभी पापा भी चौपाल में यार, उनको गाड़ी मिली नहीं इधर तक के लिए, तो शायद उनको लेने जाऊँगा पहले, मतलब उनको पहले चौपाल से उठाऊँगा फिर यहाँ छोड़ूंगा फिर वापस चलूँगा दादी को छोड़ने के लिए। इज ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो डेढ़ एक महीने बाद गाड़ी चला रहा हूँ, डेढ़ दो महीने बाद, तो अजीब ही लग रहा है गाड़ी चलाना यार। ऐसे लग रहा है, डर ही लग रहा है, मतलब अजीब तो क्या, डर ज़्यादा लग रहा है, और ऊपर से चला भी पहले कहाँ रहा हूँ अपनी गांव की सड़कों में, सड़क पूरी पूरी होती है तो ये गाड़ी को पास देना है, गाड़ी एकदम से आगे से आ जाए उसका डर रहता है बस। अभी थोड़ी चलाऊंगा गाड़ी, एक दो बारी अरे परे कर लूंगा तो फिर आदत हो जाएगी, फिर सेट हो जाएगा हाथ और पाँव भी, तो फिर इतनी डिफिकल्टी लगेगी ना, डर लगेगा। दी वगैरह आएगी यहाँ पर, ये बस स्टैंड देख रहे हो अपना चौपाल बस स्टैंड, यहाँ निकलेगे वो ठीक है। बट मुझे लग रहा है दादी को लग रहा है अभी टाइम, क्योंकि अभी तो वो लोग अगर निकले ही होंगे और यार सड़क खराब है तो आराम आराम से चलना पड़ता है उनको, तो मुझे लग रहा है उनको टाइम लगेगा। मैं सोच रहा हूँ तब तक गाइस क्यों ना अपनी गाड़ी की पेट पूजा करवाई जाए, मतलब इसमें भी जरा तेल भर दिया जाए, क्योंकि अभी ऐसा है मेरे चक्कर लगते रहेंगे देखो, और आधी टंकी होगी और इस पे मैं इसके मीटर पे वैसे भरोसा करता नहीं हूँ, तो कभी भी खत्म हो सकता है, तो इससे अच्छा ठीक है प्रिकॉशन लेके रखते कि तेल की टंकी इसकी फुल करवा के रखते, फिर दादी को लेने आ जाऊंगा, फिर दादी को चौपाल मार्केट लाना। ओ शिट यार मेरे को ऊपर से आना था यार, भूलिएगा। ओहो नीचे जाना है सीरियसली, यहाँ से नीचे भी सड़क जाती है यार, वाओ ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ से नीचे भी सड़क जाती है गाइस। मैं एक चीज भूल गया गाइस कि मुझे ना क्या बोलते यहाँ केमिस्ट की दुकान भी जाना है दादी के लिए, एक दो दवाइयाँ लेने, जैसे स्पेशली डाइजिन। चुनेश्वर महाराज रक्षा करना, बुद्धि देना, ओ भगवान जी क्या बात है गाइस, चमक रहा है चूड़धार यार, क्या ही चमक रहा है चूड़धार, ओम चुनेश्वर महाराज क्या बात है। कॉफ सिल्स हो गया आपके पास, कॉफ सिल्स दे दीजिए दो, ये दे दीजिए इसमें, और एक अलग से भी दे दीजिए। देखिए दादी की दवाई एक कॉफ सिल्स मैंने अपने लिए भी ले ली, क्योंकि ड्राई मौसम आ रहा है ना, गला सूखता है तो ठीक रहती है बीच बीच में। सफर ठीक नहीं था, झटकीला था और क्या था, ये तो ये बैठ गए सो, ये अच्छा इधर को, ये बैठी इधर को बीच में आप है तब रहे ठीक है, चलो ठीक है। ये तो हो गया, लो दादी आपकी दवाई है, इसमें डाइजीन भी है ठीक है, गले की भी है, जैसे आपका गला सूखता है ना तो टॉफी खा लेना बीच बीच में, टॉफी जैसी है ठीक है, हाँ इसमें ही है, जब भी ऐसा लगे गला सूख रहा है ठीक है, खांसी हो रही है तो ये खा ली एक एक ठीक है। बाकी और क्या लेना है बताओ आप, आपको एक धाटू तो दिलाते, धाटू ऐसा दरी दाती है ऐसे कैसे है, खाली हाथ कैसे जाने दे आपको, इतना बहुत इतना भी बहुत है, अगर मेरा मेरे को यही था, मेरा बोरो प्लस दवाई, हाँ जी सबसे तो ये था मेरा। अच्छा चलो एक बोरो प्लस भी ले लेगा आपके लिए, एक और दादी पड़ा रहेगा ना। जी मैं बिस्किट्स ले रहा हूँ कुछ, क्योंकि दादी को जब भी कोई मिलना आता तो दादी उनको बिस्किट्स पकड़ा देते, तो वो ले लिया दादी के लिए, गच्चक ले लिया खुद के लिए खाने के काम आएगा, सर्दियों में मजा आता है गच्चक खाने वाले से भी गाँव में, काम आने दादी एक आपके लिए गच्चक लिया खाने के लिए खुद खाना गच्चक तो ठीक है, ये बोरो प्लस एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, ये बिस्किट तो 10-10 रुपए के बिस्किट है, चलो देने के आपके काम आते ना, अभी बच्चे त्योहार भी आते तो पकड़ा लिया एक एक है ठीक है, गच्चक रखना अपने लिए खुद खाना गच्चक ठीक है ना। ओ, कुछ नहीं दादी यार क्या हो गया, चलो भाई सब चलते हैं दादी को छोड़ने छोड़ने।
बस ले यार, ये क्या बात है दादी यार, आपके इतने धंकड़े धंकड़े पोचड़े हैं, आपको जाने दे बस में या जाने दे टैक्सी में, ऐसा चलता है? वो तो चलो मजबूरी है, जब तब होता दादी ऐसे थोड़ा। नहीं ये तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही समझते ना और क्या, तो समझना पड़ता दादी और क्या। ओ मेरे को लगता टाइम दादी। सो गाइस वेलकम टू लास्ट धार, पहुंच गए हैं यहाँ पर दादी को छोड़ने। अब दादी बोल रही कि मैं किसी को बुलाती हूँ वहाँ से, तू चले जा, क्योंकि अभी ऐसा है गाइस चक्कर कि मम्मी पापा भी वहाँ से फ्री हो ही गए, अब उन्होंने बस पैक करना है सारा, फिर उसके बाद ऊपर आ जाएंगे, फिर जाना है हम, फिर मेरे को मम्मी पापा को लेने जाना है पहले वहाँ तक, फिर चौपाल आना है, वहाँ पर काम देखना है, फिर जाके जाएंगे हम आगे। अब आगे भी ऐसा है जो हमने सॉइल टेस्टिंग लिए सॉइल ली हुई है वो भी हमने पकड़ानी है टाइम से, तो थोड़ा इस चक्कर से नहीं, चलो कोई नहीं मैं छोड़ता हूँ आपको, चलो ओ नींदिया चलो अभी मैं चला, ठीक है इनसे माफी मांगना कि बोलो आज तो आ नहीं पाया मैं किसी के, ठीक है जल्दी में था थोड़ा, ठीक है ना, ख्याल रखना अपना। नहीं मैं तो कोई नहीं, आप कुछ चाहिए होगा बताना मेरे को, ठीक है ना, ख्याल रखो आप अपना, ठीक है, धन्यवाद भगवान राज कुछ ठीक ढंग से जाना। हाँ जी हाँ जी दादी, ठीक है ठीक है दादी, बाय, ठीक है बाय बाय दादी बाय। हेलो गाइस, दादी अम्मा को तो मैंने छोड़ दिया, दादी अम्मा मेरी इस बारी भी मैं गाइस ऐसी आया एक आध दिन के लिए, और एक आध दिन के लिए दादी से मिले, फिर वापसी, बट ये कि बहुत जल्द मिलेगी अभी दादी से दिवाली के दौरान, तो तब अच्छे से बिताएगी दादी के साथ टाइम। दादी को छोड़ के मन ना ऐसे करते नहीं है कि छोड़ के चले जाओ, ऐसा लगता है दादी को अपने साथ ही रखो, क्योंकि दादी के साथ अलग रौनक है, और सच बताऊँ तो दादी हम बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं। मुझे वापसी गई, यहाँ नीचे तो नहीं उतरना जहाँ बगीचे हमारे, बट हाँ इसके ऊपर तक तो जाना है, यहाँ से मैं मम्मी पापा को उठाऊंगा, ऑलमोस्ट ख़त्म है गाइस, तो मैंने सोचा यहाँ पर नाले से भर देते बढ़िया फ्रेश वाटर। अब ओ भाई क्या ठंडा है पानी यार, ओ क्रेजी। तो जी आप देख सकते हो थोड़ा चेंज हो गया लुक में, अब ऐसा था वो टी शर्ट में ना बहुत स्वेटिंग हो रखी थी और अब हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी मुझे उसमें, तो मैंने चेंज कर ली, ये वो शर्ट है जो मैं लाया था एक्स्ट्रा अपने लिए, अच्छा किया मैं ले आया। बाकी गई सुबह मैं जल्दी जल्दी में निकल गया था, तो मुझे मतलब प्रॉपर बोल सकते हो तैयार होने का टाइम नहीं मिला था। थोड़ी अपनी एक्सेसरीज भी पहन लेते हैं कि भाई मैं तो आराम से चल रहा हूँ, बढ़िया ड्राइव को एंजॉय करते करते बड़े टाइम बाद एक तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और इतने प्यारे रस्तों में गाड़ी चला रहा हूँ ना यार, फील आ रही है, बढ़िया गाने लगा के चलो फुल फन करते हुए चलो। मैं आगे देख रहा था, अभी ऐसा सीन है कि यार देखो अब मम्मी पापा को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि वो काम समझा रहे हैं नीचे, जो एक तो डंगे वाला काम होना है, सेकंड जो बगीचों में काम होना है वो, तो दोनों समझा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है उन लोगों को। बाकी ये है कि उन्होंने थोड़ा जो उन्होंने सामान लाना था ऊपर अपने साथ वो भी उन्होंने गाड़ी में भिजवा दिया है, अरे उसमें ही भिजवा दिया, तो मेरे को बोला कि तू वहाँ रुक जा, वो सामान कलेक्ट कर ले फिर आ जाओ परे की तरफ, तब तक हम भी आ जाएंगे ऊपर में, ठीक है जी। तो तब तक मुझे भूख भी लगी, कुछ खा भी लेते, तो यहाँ पर मिलता बढ़िया बर्गर, तो मैंने यहाँ दो बर्गर करवा लिए, बस रेडी होने वाले, उठाते खाते तब तक सामान भी आ जाएगा, फिर निकल पड़ेगा। थैंक यू भाई थैंक यू, ये पीछे डाल दो इसमें, इसके इसमें डाल दो पॉकेट में, और क्या आगे चले चलते रहो। तो जी अब गाइज हम चौपाल नहीं जा रहे, पहले हमारा प्लान था चौपाल जाने का, अपने जो बिल्डिंग के ऊपर छत लग रही है वो देखने का, बट यार अब ऐसा है जो मैंने आपको बताया था ना कि हमने सॉइल निकाली अपने बगीचे से सॉइल टेस्टिंग के लिए, वो पकड़ानी जरूरी है, और वो पकड़ानी हमें ठियोग में, वो भी 6 बजे तक, और 4 ऑलरेडी बज चुके हैं गाइज, तो इसलिए हम सोच रहे हैं चौपाल का स्किप करके अब डायरेक्ट ही निकलते हैं, वरना लेट हो जाएगी, और सॉइल टेस्टिंग करवानी भी जरूरी है, फिर उस अकॉर्डिंग हमारे को आगे के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। भाई मेरे ये क्या है, ये घुसी कैसे भाई गाड़ी कैसे, ये देखो ना और निकाल और निकाली भी नहीं है यार तब से लेकर। ओम जयता जी रक्षा करना बुद्धि देना, ओम चुकेश्वर महाराज जो भगवान जी रक्षा करना बुद्धि देना। देख रहे हो ये बजरोले पोलिए भी शुरू हो चुका है, ये बन रहा था हमारे सामने बन रहा था, एकदम चौड़ी और
प्लेन। 6 बजे और हम पहुंच चुके हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हम पहुंच गए थे आयान के पास 6 बजे से पहले ही पहुंच गए थे। 6 बजे एग्जैक्ट, 6 से पहले 3 मिनट पहले पहुंच गए। बट यहाँ जो दुकान है वो बंद है, मुझे पता नहीं पकड़ाने गए सैंपल पे। फिर एक होटल बोला है, वहाँ बोला है पकड़ाने को, वरना लैब भी यहीं कहीं आसपास है, वहाँ भी पकड़ा सकते, बट उसके लिए हमें दूसरा ही रूट लेना पड़ेगा, डिटूर करना पड़ेगा। बोला था छोड़ने के लिए, यहाँ बोला था छोड़ने के लिए, बट हमें ये बोला था कि 6 बजे से पहले पहुंच जाना, 6 बजे दुकान बंद हो जाती है। हम 6 बजे से पहले पहुंच गए बट दुकान बंद थी। फिर अभी यहाँ पीछे होटल देख रहे हो, जहाँ पर ये देखो होटल हेवन, होटल हेवन यहाँ पर। अब यहाँ छोड़ने को हमें बोला है सॉइल सैंपल, तो यहाँ छोड़ते हैं फिर चल पड़ेगा। इस टाइम इज 6:45, हम रुके हैं स्टर्लिंग में क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज यार। सोचा यहीं से डिनर करके चलते घर जाके सीधा सो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। पहले हम सोच रहे थे वहीं तृप्ति कहीं देख लेंगे, बट तब तक के लिए भाई क्या करेंगे, भूख लग रही बहुत तेज। हमने सोचा करके चलते हैं, कहाँ गए पापा।